मूवी स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि एक लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और परेशान होता है। वो एक रूम में फंसा होता है और वो वहाँ से बाहर जाने का कोई क्लू ढूंढ रहा होता है, जिस कारण वो एक पजल को भी सॉल्व कर रहा होता है और वह रूम की चारों दीवारें उसकी ओर आ रही होती है और वो मरने वाला होता है। तभी स्टोरी 3 दिन पहले की दिखाते है कि वो लड़का उस स्केरी रूम में कैसे पहुंचा। मूवी में एक जोई नाम की लड़की दिखाते है, वो कॉलेज में पढ़ रही होती है। तभी उसका सर उसे बुला कर कहता है कि तुम इतना डरी डरी क्यों रहती हो, कल से कॉलेज की छुट्टियां पड़ रही है ना, तुम वही काम करना जिससे तुम्हें डर लगता है। वो ओके कहकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने हॉस्टल में जाकर देखती है कि उसे एक पार्सल आता है। उसे लगता है कि शायद ये उसके सर ने भेजा है उसका डर दूर करने के लिए। उसमें से एक और बॉक्स निकलता है जिसे वो ओपन करने पर फिर एक बॉक्स निकलता है और उसे वो ओपन करना होता है। अब उस लड़के को दिखाते हैं जो उस रूम में फंसा हुआ था, उसका नाम बैन होता है। उसको भी वही सेम बॉक्स आया होता है। वो भी उसी एस्केप रूम के लिए निकल जाता है जहाँ पर और भी काफी लोग उस रूम के लिए आ रहे होते हैं। उन सभी को उस रूम में जाने से पहले सभी के मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड को जमा करवाने होते हैं, जहाँ डेनी नाम का स्मार्ट बॉय 2 फोन लेकर जाता है। एक फोन वो जमा करवा देता है, दूसरा अपने साथ लेकर जाता है। तभी सभी लोग एस्केप रूम में फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं। ये है जॉनसन, ये है माइक, ये है अमंडा। वो सब आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बैन उस रूम के डोर की तरफ जाता है उसे ओपन करने, तभी उसका हैंडल टूट जाता है। वो सब उसे बोलना शुरू कर देते हैं, तुमने ये क्या किया। तभी डैनी कहता है कि लगता है कि ये गेम का हिस्सा है, यही एस्केप रूम है जहाँ से हमें निकलने के लिए कोई क्लू ढूंढना है। वो सभी क्लू ढूंढने लग जाते हैं। जोई को एक क्लू मिलता है, वो उस कोड को यूज करती है। उस कमरे में हीट आ जाती है, वो रूम धीरे धीरे गर्म होने लगता है। वो सभी वहाँ से बाहर जाने का दूसरा क्लू ढूंढते हैं। सभी को पता चल जाता है कि ये गेम एक बहुत ही ज्यादा स्केरी और खतरनाक होने वाला है। अगर उन्हें सारे क्लू सॉल्व नहीं किए तो ये लोग यहाँ मारे जाएंगे। जोई को एक और क्लू मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोस्टर यूज करे। वो तब कोस्टर को दबाती है और एक विंडो ओपन हो जाती है। वहाँ पर 4 कोस्टर होते हैं। वो 4 दबाएंगे तो तभी वो विंडो ओपन रहेगी। वो लोग पानी का गिलास उस पर रख के किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आगे उन्हें एक और रूम दिखता है जिससे बाहर जाने के लिए उन्हें एक की ढूंढनी होती है। अमंडा वहाँ से निकलने की बात करती है। वो डैनी से उसका दूसरा फोन मांगती है पर उसमें नेटवर्क नहीं आते और वो लोगों को एक की मिल जाती है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो लोग एक बर्फीली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और उन्हें बस एक ही जैकेट मिला होता है और वो लोग वहाँ से निकलने के लिए क्लू ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ सारी जगह बर्फ की बनी होती है। वो जहाँ खड़े होते हैं वो भी बर्फ की बनी पतली पार्ट से बनी होती है। माइक को एक फिश मशीन मिलती है पर उन्हें समझ नहीं आता कि उसका क्या करे। तभी जोई के पैकेट में एक दिशा बताने वाला वॉच मिलती है। वो नॉर्थ की तरफ जाती है। उसे एक बर्फीले जानवर के अंदर से मैग्नेट मिलती है। वो लोग उस मैग्नेट को उस फिशिंग रॉड में लगा कर उस बड़े से होल में डालते हैं। तभी उनको उसमें से बर्फ में दबी हुई की मिलती है। जब तक वो बर्फ पिघलेंगी नहीं तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। वो बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं टूटती। वो लोग बैन से उसका लाइटर मांगते हैं। बैन फेंक कर उन्हें देता है। लाइटर में से कुछ बूंदे बाहर आकर गिर जाती है। जैसे ही डैनी लाइटर उठाता है वो बर्फ पिघल जाती है। वो नीचे बर्फ में गिर जाता है। सभी उसकी ओर भागते हैं उसे बचाने के लिए। तब तक वो उस बर्फीले पानी में जाकर मर चुका होता है। सबको अब यह एहसास हो चुका होता है कि ये कोई गेम नहीं है, यहाँ उनकी जान जा सकती है। आगे वो सब फिर से उस बर्फ के टुकड़े को अपने हाथों से गर्म कर पिघाल लेते हैं। उन्हें एक की मिलती है, उसे वो लोग दरवाजे पर लगा देते हैं और दरवाजा पीछे की ओर की तरफ खुलता है। वो सभी भाग कर जाते हैं। तभी वहाँ जमी हुई बर्फ टूटने लगती है और बैन मरते मरते बचता है। आगे वो एक बार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब उल्टा उल्टा होता है।
वहाँ पर अब एक बेसुरा म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। वो लोग क्लू ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ जमीन खिसकने शुरू हो जाती है। वो लोग किनारों पर जाकर अपनी जान बचाते हैं। अमांडा उस गेम के ऊपर चढ़ के एक क्लू ढूंढती है जिसमें उसे एक लॉक दिखता है। उसे उसका पासवर्ड लगा होता है। जोई माइक की हेल्प लेकर एक पजल सॉल्व करती है। वो पजल सॉल्व कर लेती है। एक कोड मिलता है। वो कोड अमांडा को बताती है पर वो काम नहीं आता। तभी जोई नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सभी उसे आवाज दे के होश में लाते हैं। जोई कहती है अगर ये रूम उल्टा है तो पासवर्ड भी उल्टा होगा। वो अमांडा को उल्टा पासवर्ड लगाने को कहती है। लॉक खुल जाता है जिसमें उन्हें एक बॉल मिल जाती है। वो बॉल में की लगी होती है। अमांडा उस बॉल को उन सब के पास ले कर जा रही होती है पर वो बॉल नीचे गिर जाती है। अमांडा उसे लेने जाती है पर जैसे ही वो नीचे जाती है वो जमीन भी नीचे की ओर चली जाती है। अमांडा जेंसन को की पकड़ा देती है और अमांडा की नीचे गिरकर जान चली जाती है। वो लोग उस रूम से भी बाहर चले जाते हैं और अगले रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम दिखने वाला रूम नजर आता है। वहां पर उन सबको अपने अपने पास्ट की चीज़ें पड़ी हुई नजर आती है। वो सभी अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग उनकी फैमिली में मारे गए और बचे हुए लकी लोगों में से एक है। तभी उन्हें यहाँ बुलाया गया है कि अब उन लोगों में से कौन बचेगा। जोई को गुस्सा आता है। वो वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पर लगे सभी कैमरास और टीवी तोड़ दे रही होती है। वहाँ पर एक मैसेज आता है अगर तुमने 5 मिनट में कंप्यूटर मशीन से अपनी हार्ट बीट मैच नहीं की तो यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी, सबकी जान चली जाएगी। जेंसन माइक को कहता है कि तुम अपनी हार्ट बीट मैच करो, तुम्हारे सबसे तेज होगी, पर वो मैच नहीं होता। जेंसन माइक की हार्ट बीट तेज करने के लिए उसे करंट देता है जिसमें माइक की जान चली जाती है। अब उन्हें स्लो हार्ट बीट की जरूरत होती है। जेंसन अपनी हार्ट बीट मैच करता है, उसकी हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है। बैंड जोई को कहता है पर जोई जाने से मना कर देती है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। जेंसन और बैंड निकल जाते हैं। वहाँ वो डोर बंद हो जाता है। जेंसन और बैंड की फाइट होती है। बैन कहता है कि तुमने अपने फायदे के लिए माइक को मार दिया, तुम कितने मतलबी हो। वो लोगों को एक टैंक मिलता है। वो लोग उसे ओपन करते हैं जिसमें से दोनों एक केमिकल लग जाता है। वो लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं। उस टैंक में लिखा होता है चाहे तो मर जाओ, नहीं तो एंटीडोट ढूंढ लो और अपनी जान बचा लो। वो लोग एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक एंटीडोट मिलता है जिसके लिए वो लोग लड़ना शुरू करते हैं और लड़ते लड़ते वो एंटीडोट बैन को लग जाता है। वो बच जाता है और जेंसन मर जाता है। बैन उसी रूप में देखते हैं जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। वो एक पजल सॉल्व करनी होती है। उस रूम की दीवारें उसकी ओर बढ़ती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जोई जहाँ बेहोश हुई थी वहाँ दो आदमी आते हैं। जोई उठकर उन पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ बैन उस रूम में पजल सॉल्व करके बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे जेम्स मास्टर वोटन यू मिलता है जो उसे अप्रिशिएट करता है वहाँ से बचने के लिए और उसे बातों में लगा कर मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जोई आकर उसे बचा कर ले जाती है। वो लोग उसे गोली मार कर खुद को बचा लेते हैं और पुलिस को शिकायत करते हैं इन सब की, पर पुलिस को वहाँ उनके खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता। और स्टोरी आफ्टर 6 मंथ बाद देखते हैं जिसमें उनके साथ सभी दोस्त जो उस गेम में मारे गए थे उन्हें एक एक्सीडेंट में मारा हुआ न्यूज में छपा होता है। जो ये सब पता लगाने के लिए बैन को कहती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।